जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए संविधान बचाओ सम्मेलन में जमीयत ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ समेत 5 प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। अपने प्रस्ताव में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि सरकार इस प्रस्तावित बिल को वापस ले ले, मुसलमान को वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं है। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। अरशद मदनी ने कहा है कि ये सरकार दो बैसाखियों पर चल रही है, एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार है। अरशद मदनी ने कहा कि अगर वक्फ विधेयक मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज करके पारित किया गया तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों बैसाखियों की भी होगी। अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। आप दो इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद पर बड़ा हमला करते हुए वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बता दिया है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के जरिए देश में गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्फ बोर्ड अघोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं, ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि वक्फ बोर्ड पर विवाद आखिर इस वक्त क्यों मचा हुआ है। ये पूरा विवाद क्या है ये समझिए। वक्फ बोर्ड में ताकतवर लोगों के कब्जे का आरोप हमेशा से लगता रहा है। वक्फ बोर्ड पर संपत्ति पर कब्जे, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते हैं। वक्फ बोर्ड की मौजूदा कार्यप्रणाली से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो मुस्लिम महिलाएं हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को अधिकार नहीं मिलता है। केंद्र, राज्य सरकारें और कोर्ट वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मामले में दखल ही नहीं दे सकते हैं और सिर्फ मुसलमान ही वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इस पर लगातार जो विवाद है वो मचा हुआ है। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमान इस बिल को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे कारण है जिसको लेकर इस वक्त वक्फ को लेकर जो वक्फ बिल सरकार की तरफ से लाया गया उस पर विवाद मचा हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। सरकार का विजन पहले भी रहा है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए सनातन संत संसद का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए बकायदा मथुरा के वृंदावन में साधु संत और धर्माचार्यों की एक बड़ी बैठक हुई है। के लिए बिगुल बजाया नहीं है, केवल चेतना जागृत की, क्योंकि आज हमारा सनातनी सोया हुआ है, उसे केवल चेतना की आवश्यकता है। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है लेकिन मृत व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो सनातन धर्म वाले सो रहे हैं उन्हें जगाने के लिए 16 नवंबर की एक बैठक रखी गई है, एक आयोजन रखा गया है जिसमें सभी संत पहुंचेंगे
और अपनी भावों को अपनी बातों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए प्रस्तुत करेंगे। एक एक वो करते थे, नारा लगाते थे, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्से संख्या उसकी उतनी, तो जिस हमारी जितनी संख्या है सनातनियों की, हिंदुओं की, उतने बड़े लेवल पे भारत में सनातन बोर्ड को जमीन मिलनी चाहिए और कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए। इन्हीं विषयों पे सनातन धर्म के लिए हिंदुओं के सनातन धर्म संसद लगेगी दिल्ली में। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों को, जमीनों को और दरगाहों को हासिल करना चाह रहे हैं। मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है, नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते, आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने बताइए? यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत में, इनकी नीयत साफ नहीं नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगंडा करें।